राधे राधे फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो हाल ही में मैं गई थी बरसाना, जहाँ पे मैंने विज़िट किया घेवर वन, और वहाँ के कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ। सो चलो, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं घेवर वन के अंदर, और मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कैसा है ये। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस आप जानते हैं कि बहुत होती हैं, तो और बारिश भी हुई थी तो थोड़ा सा मैसी हो रखा है। बट चलिए चलते हैं अंदर, घेवर वन में चलते हैं और सब चीज़ें देखते हैं। सो घेवर वन में एंटर करने से पहले एंट्रेंस पे ही बिल्कुल एक ही ट्री बना हुआ है, जिसको छूकर आपको राधे राधे चैंट करना होता है, और कम से कम 5 मिनट यहाँ पे खड़े होकर राधा का ध्यान ज़रूर लगाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये ट्री सुनता है आप जो भी बोलोगे। और यहाँ से कर ली है हमने एंट्री, ये मेरी पूरी फैमिली अंदर जाते हुए, अब मैं भी अंदर जाती हूँ। चलिए चलते हैं, पहले यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद में गाइस, मतलब इतना खूबसूरत, इतना सुकून, इतनी शांति कहीं पे भी नहीं है। जो आपको पहला कदम अंदर रखते ही आपको इतना सुकून, इतनी शांति यहाँ पे मिलेगी, स्पीचलेस है। उसके बाद में मैंने एक ही फ़ोटो आप लोग के साथ में शेयर की है। जैसे ही आप एंटर करोगे घेवर वन में, तो एक ही टेंपल पड़ता है, राधा रानी जहाँ पे बैठी हैं और कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे गोद भराई की रस्म राधा की गई थी। सो यहाँ पे हम सब झाड़ू लगाते हुए, यहाँ पे झाड़ूएँ रखी रहती हैं, हर बंदा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर झाड़ू लगाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको भी एक सेवा कहा जाता है राधा रानी की। अगर आप यहाँ पे आके झाड़ू लगाते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद सब लोग यहाँ पे राधा रानी जी के लिए डांस कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी डांस किया। ये मैं डांस कर रही हूँ, मेरी कज़न्स डांस कर रही हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ होने लग गई थी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आके अपनी हाजिरी लगाई राधा रानी जी के चरणों में, तो हमने भी लगा दी। तो अभी हम लोग घेवर वन में घूम रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, सब लोग, मतलब आप राधे राधे बोलोगे, कुछ भी चीज़ें बोलोगे तो आपकी बातें बाकायदा सुनेंगे, आपकी हर चीज़ सुनेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सब राधे 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 बोलते रहते हैं, बोलते चलते हैं। तो आप सब भी अगर आ रहे हैं ना, तो आप एक सुकून, एक शांति का अनुभव करोगे। इसमें राधे राधे आपको बोलते रहना है, और बहुत आपको इसके अंदर पीस, मतलब पीस होगा। अभी हम जा रहे हैं एक पेड़ की तरफ, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि घेवर वन के अंदर वो जो पेड़ है उसके नीचे। सो यहाँ पे हम आ गए हैं यहाँ के सबसे मान्यता वाला पेड़। गाइस, ऐसा बोला जाता है कि ये जो पेड़ है, आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, मेरी फैमिली है, और लोग उनके पेड़ों को पकड़ पकड़ के लेटे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं राधा रानी का। तो यहाँ पे मांगी हुई आपकी हर विश पूरी होती है, तो आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पर। ये है पूरा घेवर वन और बोरा राधा रानी जी का मंदिर, जहाँ पे हमें ऊपर चढ़ के जाना है। और ये जा रही मेरी फैमिली, और यहाँ पे इतना इतना सकरा सकरा सा रास्ता होता है, यहाँ से हमें निकलना होता है। और मतलब बहुत पीसफुल प्लेस है, मतलब वर्ड्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कितना सुकून यहाँ पे मिलता है। पेड़ आप देखिए यहाँ पे सारे। सो गाइज, एक ही छोटा सा मेरा एफर्ट्स था अपना एक्सपीरियंस घेवर वन का आप लोगों के साथ शेयर करने का, और आप लोगों को भी घुमाने का। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। राधे राधे, बाय बाय।